नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, दोस्तों अगर आप भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन चलाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन पर आपकी अकाउंट की पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन की मदद से अपन जो है ये पासबुक जो है डाउनलोड करेंगे मोबाइल में। अगर आपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लॉगिन नहीं किया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो देखने के बाद आप अपने जो है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में अपने मोबाइल में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है कि दोस्तों आप अपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन जो आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है, उसमें कितना बैलेंस है, क्या मिनी स्टेटमेंट है, कितना पासबुक है, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे जो है आप अपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपकी एम पासबुक को अपने मोबाइल में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं कि कैसे आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन की मदद से आपकी पासबुक चेक कर सकते हैं। तो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में अपनी पासबुक अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए, चेक करने के लिए, सबसे पहले आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो दोस्तों यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखने के बाद आप जो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि दोस्तों आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पासबुक चेक कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन भी यहाँ पे डाल के जो है लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लॉगिन करने के बाद, लॉगिन कर लिया मैंने, लॉगिन करने के बाद दोस्तों नीचे आना है आपको। नीचे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये आपको बोलेगा कंपेयर शॉप क्रेडिट इनवाइट एंड अप्लाई बीपीओ, अप्लाई आईपीओ, ट्रांसफर पासबुक, डिजिटल लोन रिक्वेस्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे दोस्तों पासबुक वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। पासबुक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका सेविंग अकाउंंट है, करंट अकाउंट है, लोन का अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, ओडीसीसी है या अदर टाइप अकाउंट है। तो अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक कीजिए, और करंट अकाउंट बिजनेस के लिए तो करंट पर क्लिक कीजिए। तो मेरा जो है सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों पासबुक चेक करने के लिए यहाँ पे जो है आपकी अकाउंट आ जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्पेंड एनालाइजर पे। तो यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो व्यू ट्रांजेक्शन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपकी जो है ट्रांजेक्शन आ जाती है। यहाँ पे पासबुक की जो है लास्ट की जो है ट्रांजेक्शन आ जाती है कि कितना आपका अकाउंट का बैलेंस है, वो यहाँ पे आ जाता है, और कितना जो है क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने आपने ट्रांजेक्शन, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है अकाउंट में से, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अब दोस्तों इसको सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला एक जो है साइन दिखाई देता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपसे पूछेगा प्लीज सेलेक्ट एनी फॉर्मेट। तो यहाँ पे पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीएसवी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे को जो है दोस्तों मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो मैं पीडीएफ पे क्लिक कर देता हूँ। तो पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद नीचे पीडीएफ व्यूअर वाले बटन से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा पासबुक यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे जो है लास्ट के जितने भी क्रेडिट होते हैं, जो भी डेबिट होता है अमाउंट, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट आ जाता है, उसका टाइम आ जाता है, और कितना अमाउंट से कितना अकाउंट में क्रेडिट हुआ, कितना अकाउंट में डेबिट हुआ, क्या क्या हुआ, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो ये जो है पासबुक आप अपने मोबाइल में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन से की हेल्प से अपना जो है अपना अपनी पासबुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको समस्या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, तब तक हर देश में मुझे बोलना।